नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आज हाजिर हैं, एक नए पाम को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा क्लियर पिक है। एक लाइन यहाँ पर दिख रही है तो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको, पूरा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ जुड़े जुड़े हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। चलिए हाथ को पढ़ते हैं। इनकी एज जो है अप्रॉक्स यहाँ पर 43-44 है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका कैरियर से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, फैमिली से, हेल्थ वाइज, मतलब कुल मिला के सभी क्वेश्चन पूछे इन्होंने, तो पूरी लाइफ को हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर जो हाथ देख पा रहे हैं वो साइज़ में तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेंथी हाथ है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ख़ास तौर पर धन के लिए ऐसा हाथ काफ़ी अच्छा होता है, बिजनेस के लिए ऐसा हाथ काफ़ी अच्छा माना गया है। और हाथ की जो शेप है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो पूरा स्क्वायरिश बन रहा है हाथ, तो मेहनत काफ़ी अच्छी है, मेहनत करने की क्वालिटी, आगे बढ़ने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर जो फिंगर्स की लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी हो रही है, और छोटी हो रही है जिसके कारण जो है ऐसा जातक जो है थोड़ा फैसले जो होता है जल्दबाजी में लेता है, और मतलब क्विक फैसले लेने की क्षमता होती है, क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होती है ऐसे जातक की। तो कभी कभी तो ये गुण फायदा करता है, कभी कभी ये गुण नुकसान भी देता है। रिस्क टेकर ऐसा जातक होता है, मतलब रिस्क लेने से घबराता नहीं है, तो ये क्वालिटी कभी कभी आपको फ़ायदा देगी, कभी कभी नुकसान भी देगी, ये देखने को आ रहा है। अगर फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो फिंगर्स की लेंथ में अगर आप देखें तो इनकी जो सूर्य की फिंगर आपको गुरु से थोड़ी सी बड़ी नज़र आएगी, जो जातक को बिजनेस के क्षेत्र में डाल सकती है। ऐसे जातक देखिए दो कंडीशनें होती हैं, जब आपका सूर्य अच्छे हो जाते हैं, जब सूर्य फिंगर अच्छी हो जाती है तो जातक या फिर गवर्नमेंट क्षेत्र में होगा या फिर बिजनेस क्षेत्र में होगा, वह अपना बिजनेस खुद का करेगा। तो ऐसी कंडीशन हाथ में देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर शनि फिंगर की बात करें, वैसे तो गुरु की फिंगर ज़्यादा यहाँ पर छोटी नहीं है लेकिन सूर्य से छोटी है। अगर मैं शनि फिंगर की बात करूँ तो शनि फिंगर लेंथ में काफ़ी ज़्यादा लंबाई नहीं है, ठीक ठाक है, तो सिस्टमेटिकली काम करने वाला व्यक्ति है। फिंगर्स में कहीं भी हल्का गैप देखने को मिल रहा है, जो पैसों में खर्चापन जो है देखने को मिलता है, पैसे जो है हाथ में टिकते नहीं हैं, मतलब खर्च होते रहते हैं, तो ये देखने को आ रहा है। बुध की फिंगर भी ठीक ठाक है, फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी रहने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहती है, ज़्यादा कि मैं बात करने का कॉन्फिडेंस किसी के साथ काफ़ी ज़बरदस्त होता है, तो ये इनको फ़ायदा देता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इनके माउंट्स को, माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं। तो पहले आप इनके माउंट्स को देखें, यहाँ पर पहले आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा इनके गुरु पर्वत को। गुरु के पर्वत आप यहाँ पर देखें, इनको स्पेस तो काफ़ी कम मिल रही है, मतलब इतनी ज़्यादा स्पेस इसको नहीं मिल पा रही है, और इसके ऊपर हालांकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको स्वैर के सिंबल आपको हाथ में बनते हुए दिखेंगे। तो जातक टीचिंग फॉर अगर प्रोफेशन में जाए तो उसमें सक्सेस जातक को मिलती है, मतलब किसी तरह की प्रोटेक्शन लाइफ में काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपको ये साइन आपके गुरु पर्वत मिलते हैं, कोई स्क्वायर हो गया, कोई रेक्टेंगल हो गया या कोई ट्रायंगल हो गया, कोई ऐसे साइन जो है काफ़ी शुभ माने जाते हैं, खास तौर पर धन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। और ऐसे आपको बल्ले भी बनते हुए आपको नज़र आएंगे, जो बताता है कि जातक धर्म से जुड़ा भी है, भगवान को मानता है, और दया भावना ऐसे जातक में काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन इसी कमी क्या है, गुरु पर्वत थोड़े से स्पेस में कम मिल रहे हैं, मतलब इनको स्पेस कम मिल रही है, तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। हालांकि उसको देखने के लिए और भी हम निशान देखते हैं, लेकिन उससे कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। और थोड़ा सा ज़्यादा कहते हैं कि जातक थोड़ा सा महत्वाकांक्षी हो जाता है, जैसे हम कह सकते हैं ना कि किसी चीज़ को पाने की चाहत ऐसे जातक में काफ़ी अधिक हो जाती है जब यहाँ पर गुरु पर्वत को स्पेस
कम मिल जाए, ठीक है। अगर स्पेस ज़्यादा मिल जाए होती है तो वो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत होती है ऐसे जातक को, ठीक है। तो ये देखने को आ रहा है। और अगर हम शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत ठीक है, इनके शनि पर्वत दबे हुए हैं और दबे हुए शनि पर्वत अच्छे होते हैं, ज़्यादा फ्लावट नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर पैतृक संपत्ति के निशान भी आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। पैतृक संपत्ति मतलब कोई दुकान, घर, फैक्ट्री कोई भी है जो अपने माता पिता से मिलती है, अपने भाई से मिलती है, या फिर जो भी इनके पूर्वज हैं उनसे मिलने का चांसेस रहते हैं, ज़मीन जगह, तो ये साइन इनके हाथ में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाथ में एक और कंडीशन जो देखने को आ रही है कि जो अशुभ साइन यहाँ पर देखने को आ रहा है, कुछ रेखाएं जो है मंगल क्षेत्र से शुरू होकर यहाँ पर इनके कह सकते हैं कि ऐसी कुछ रेखाएं आपको देखने को मिल रही हैं जो मंगल और शनि को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो हाथ में मंगल और शनि की युति बनती हुई दिख रही है, जिसके कारण जो है जातक को स्किन से जुड़ी परेशानियाँ या फिर कोई अंदरूनी अंग जो होता है उससे रिलेटेड परेशानियाँ होने के चांस रह जाते हैं। और कंडीशन एक और बनती है कि जातक को कोई व्यक्ति जो है किसी पछड़े में फंसा सकता है, किसी भी काम में धोखाधड़ी में फंसा सकता है, कोई भी चांस जो कोर्ट कचहरी का हो सकता है, ऐसी कंडीशनें हाथ में बन जाती हैं। और ऐसे जातक को और ध्यान देने की ज़रूरत होती है जब ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, क्योंकि ऐसे चांसेस यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, ऐसे चांस है। क्योंकि मंगल जब शनि की युति हो जाती है तो हाथ में जो है हीट जनरेट होती है, हीट काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती है, जिसके वजह से चांसेस क्रिएट होते हैं। तो आखिर में वीडियो के आखिर में आपको इसकी रेमेडीज़ भी बताऊँगा मैं, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं इनके सूर्य पर्वत को। तो सूर्य पर्वत काफ़ी अच्छे हैं, सूर्य पर्वत जो है ठीक ठाक हैं। यहाँ पर एक नॉलेज की लाइन भी देखेगी, शिक्षा काफ़ी अच्छी है, नॉलेज काफ़ी अच्छी है, और एक प्रॉपर सूर्य रेखा आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो जब सूर्य रेखा इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए तो जातक गवर्नमेंट क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा प्रयास करता है, गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस काफ़ी अधिक हो जाते हैं। अगर नगर नहीं लगी है गवर्नमेंट जॉब तो अलग बात है, लेकिन अगर हाथ में वो रेखा है तो अगर उस ओर जाते ये तो गवर्नमेंट जॉब इनकी अवश्य 100% श्योरिटी थी कि लग जाती, ठीक है। तो मैं अभी नहीं जानता कि क्या प्रोफेशन करते हैं, लेकिन सूर्य पर्वत अच्छा है इनका, हल्का सा दबाव है इसके ऊपर, हल्का सा मध्यम सा दबाव है जो अधिक परिश्रम करवाएगा, लेकिन सूर्य रेखा अच्छी है तो मान सम्मान काफ़ी अच्छा होने वाला है। ख़ास तौर पर 45 के बाद और भी चीज़ें इनके लिए अच्छी हो जाएंगी, और भी जो मान सम्मान में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए और अच्छी होगी, तो ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बुध पर्वत को। तो बुध पर्वत जो है दबे हुए नहीं है, ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कम हाथों में देखने को मिलता है कि ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही माउंट है और इसको स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, और इसके ऊपर आपको ऐसी खड़ी रेखाएं देखने को मिल रही हैं। तो मेडिकल फील्ड में अगर जातक चाहे तो उसमें भी प्रयास कर सकता है, उसमें भी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, लेकिन काफ़ी खड़ी लाइनें हैं तो व्यक्ति का प्रोफेशन काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पर देखने को आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम शुक्र पर्वत को देखते हैं। तो शुक्र पर्वत को स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, अगर मैं अलग पिक्चर से यहाँ पर नज़र आपको दिखाऊँ, यहाँ से आप देखें, यहाँ से आपको दिखेगा शुक्र पर्वत को स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है, और इतनी स्पेस मिलना और हल्का सा पिंकिश रंग और फुला होना, ऐसा माउंट यह दिखाता है कि जातक के पास ऐशो आराम जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं उसकी कमी नहीं होने वाली है आने वाले टाइम में भी, मतलब जीवन में वो चीज़ें हमेशा आती रहेंगी, ये चीज़ें देखने को आ रही हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा माउंट है, काफ़ी अच्छे इनको फल और काफ़ी अच्छी जो मजबूती है प्रदान करेगा ये माउंट। चलिए चंद्र पर्वत की बात करें। तो चंद्र पर्वत क्या हो रहे हैं कि नीचे थोड़े से आपको थोड़े से दबते हुए आपको नज़र आएंगे यहाँ पर, जो जातक के अंदर थोड़ा सा अग्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं, अग्रेशन हो गया या फिर किसी ना किसी चीज़ का डर जो है हमेशा मन में लगा रहेगा, कोई भी बदनामी का कारण, कोई भी चोरी का डर, मतलब कोई भी कार किस कोई भी कोई ऐसी चीज़ जो इनको हमेशा मन में डर जो बना कर रखेगी, किसी ना चीज़ का डर जो है हमेशा मन में लगा रहता है जब चंद्र पर्वत दब जाते हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिल रहा है, और जो है इसके ऊपर ट्रैवलिंग की लाइनें काफ़ी अच्छी हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग की लाइनें भी काफ़ी अच्छी हैं, फॉरेन पर क्या पता जाकर आए होंगे, अगर नहीं गए तो
बिल्कुल चांसेस हैं और काफ़ी ज़्यादा खड़ी लाइनें आपको दिखेंगी। कुछ रेखाएं तो हैं जो इनके भाग्य रेखा से जाकर और इनके लाइफ लाइन से जाकर मिल रही हैं, तो बिल्कुल ये चांसेस क्रिएट हो रहे हैं कि फॉरेन ट्रैवलिंग हुई है और आगे भी होगी। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आगे भी होगी, क्योंकि हाथ में काफ़ी अच्छे साइन यहाँ पर फॉरेन ट्रैवलिंग के बने हुए हैं। चलिए, ये तो सभी बाउंस हो गए, अब हम इनके रेखाओं को देखते हैं, रेखाएं इनके बारे में क्या शो करती हैं, अलग पिक्चर से हम यहाँ से देखेंगे। देखिए, कुछ अलग सी कंडीशन आपको बनती हुई दिखेगी यहाँ पर। देखिए, ये तो इनकी एक, देखिए इसको ही हम कह सकते हैं कि लाइफ लाइन। ठीक है, यहाँ से लाइफ लाइन यहाँ से टूट रही है और एक लाइन ने इसको ज्वाइन किया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या कारण हम माने, क्या कुछ इसको माने हम, इसको हम ये मानते हैं कि ये जो लाइन है, हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर, जो ईश्वर का आशीर्वाद है इनके ऊपर है, ईश्वर का हाथ जो है इनके ऊपर है, क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना, एक बड़ी घटना, या फिर हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति मौत को छूकर आ जाता है, मतलब मरते मरते बचता है, ऐसी कंडीशन इनके हाथ में बनती हुई आपको दिख रही है। क्योंकि हालांकि जब जीवन रेखा टूट जाती है तो बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जीवन रेखा ने एक लाइन को ज्वाइन कर लिया है, जिसके वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि इनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। कोई बड़ी घटना शायद पहले हुई होगी, नहीं तो आगे चलकर होगी, जो इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल इशू में डालेगी, या फिर इनके साथ ऐसी घटना हुई होगी पहले। ठीक है, तो ये कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है, लेकिन आगे चलकर क्या हो रहा है कि आगे चलकर बिल्कुल लाइफ स्मूथ चल रही है, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लाइन जो है डबल हो रही है, तो हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो जीवन में आ रही है। ठीक है, आगे चलकर जो आगे का पीरियड है, तो ये घटना शायद पहले इनके साथ हुई होगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर नज़र आ रही है। ये कह सकते हैं कि ऐसे काफ़ी रेयर साइन हाथ में मिलते हैं जब यहाँ पर हेल्थ लाइन टूट जाए और कोई रेखा इसके साथ आकर ज्वाइन हो जाए। अब यहाँ पर प्रोग्रेस लाइनों की हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, ये कम से कम 28वें वर्ष में बन रही है और एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपको नज़र आएगी, और इसका जो एज पीरियड है कम से कम इसको मान के 43 से 44 या 45 की एज में बन रही है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इनका जो भाग्य उदय है, या फिर जो एक्चुअल में जो असली समय आने वाला है, जो असली खुशियाँ या फिर असली जो कामयाबी मिलेगी, इसी एज में मिलेगी, और ये एज आपको देखने को मिल रही है। हालांकि ये लाइनें रुक नहीं रही हैं, बाद में भी जाकर ये लाइनें और बढ़ रही हैं। ठीक है, और साथ में एक फॉरेन ट्रैवलिंग की रेखा आपको देखने को मिल रही है, जो इनको विदेश यात्राएं करा सकती है, और काफ़ी बड़े जो है प्रोग्रेस इनके हाथ में देखने को, उसके बाद जो अभी तो 42-43 साल एज है, 45वें वर्ष में काफ़ी अच्छा मुनाफा, काफ़ी ऐसी चीज़ें इनके जीवन में होने वाली हैं, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, और देखिए, किसी तरह की एलर्जी, किसी तरह का इन्फेक्शन इनको परेशान कर सकता है बॉडी में, शायद इनको होगा भी, और किसी तरह की कोई, जब ये रेखाएं ऐसी बनती है आपको दिखें, ऐसी कुछ रेखाएं जब जीवन रेखा से ऐड हो जाएं, हम इसको फॉरेन ट्रैवलिंग की लाइन में मानते हैं, और साथ में इसको हम मानते हैं एलर्जी की, इन्फेक्शन की लाइन, जो जातक को अल्कोहलिक मनाती हैं, किसी तरह का नशा इनके अंदर होगा जो परेशान कर सकता है, या फिर वो शराब का होगा, किसी चीज़ का हम कह लें, लेकिन सेकंड कंडीशन हम मानते हैं किसी तरह का एलर्जी, किसी तरह का इन्फेक्शन जो है बॉडी में हमेशा लगा रहता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ इनके परेशान इनको कर सकती है, ऐसी कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम भाग्य रेखा को देखते हैं, भाग्य रेखा यहाँ पर क्या शो कर रही है। भाग्य रेखा स्टार्टिंग से ही चंद्र पर्व से स्टार्ट हो रही है, आपको यहाँ पर नज़र आएगा ऐसी कुछ भाग्य रेखा को बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो चंद्र पर्व से स्टार्ट होना काफ़ी अच्छा बताता है, हमेशा लगा जाना, बड़ी यात्राएं, विदेश की यात्राएं होना, ऐसे पॉसिबल होता रहता है, और चंद्र पर्व से स्टार्ट होना एक तरह का हम कह सकते हैं राजयोग, हम मानते हैं बढ़िया साइन होता है चंद्र पर्व स्टार्ट होना, और जो भी एक बड़ा मुकाम जो जीवन में हासिल करना चाहता है व्यक्ति, वो कर लेगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं परेशानियों की बात करूँ तो कोई ऐसी मेजर परेशानी नहीं है, एक बड़ी परेशानी यहाँ पर दिख रही है, देखिए, और ये एज जो है इनकी गुजर चुकी है। ठीक है, ये 28वां वर्ष यहाँ पर शो हो रहा है, 28 से 29 वर्ष या 30 वर्ष मान लें, इसको एज निकल चुकी है,
और परेशानी की बात करें तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर कट होती हुई आपको दिखेगी, और ये जो एज बन रही है कम से कम 42 से 43 साल की एज बन रही है, इसमें कोई बड़ा नुकसान इनके जीवन में आया होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए उसके बाद इस चेंज को आप देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से तो परेशानी गई और उसके बाद एक लाइन ऊपर की तरफ गई, यहाँ से बाई फोर कर ऐसी लाइन है यहाँ पर। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं शुभ साइन होता है, और जब ऐसी लाइन बाई फोर हो जाए, खास तौर पर भाग्य रेखा जब ऐसी बाई फोर हो जाती है, तो जीवन में एक बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, एक बड़ा जो है शुभ अवसर जो है आपके जीवन में आने वाला है, ऐसी कंडीशनें हाथ में नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो भाग्य रेखा काफ़ी अब प्रोमिनेंट है, काफ़ी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली है आने वाले टाइम में। तो अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें, माइंड लाइन की बात करें, तो माइंड लाइन बिल्कुल ठीक है ना, थोड़ी सी डिक्लाइन जा रही है, तो इमेजिनेशन थोड़ी सी लगी रहेगी और कोई ऐसी दिक्कत इशू जो है नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा हाथ में वही जो है स्किन से रिलेटेड एलर्जी जो इन्फेक्शन वगैरह होने के चांस यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में परेशानियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा स्टार्टिंग से फ्लडी नेचर से शो हो रही है, और थोड़ा सा हम जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था ना कि इनका गुरु पर्वत जो है थोड़ा सा जो है थोड़ा सा लो सेट है, थोड़ा सा दबा हुआ है, जिसके कारण रिलेशन्स में, ऐसे नहीं कि पति पत्नी के रिलेशन में कह रहा हूँ, कोई भी रिलेशन हो गया उसमें धोखा मिलने के चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। मतलब कोई भी आपके साथ जुड़ेगा नहीं जल्दी, जुड़ेगा तो जल्दी ही वो टूट जाएगा रिश्ता, या फिर कह सकते हैं कि वो दूर चला जाएगा। तो रिश्ते में हमेशा थोड़ी बहुत कड़वाहट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि हृदय रेखा भी कुछ लाइनें आपको ऐसी जो है नीचे की तरफ जाती हुई दिखेंगी, ये सेटबैक्स हैं। मतलब जहाँ तक जो है इमोशनल हो जाएगा या फिर अपने एग्रेशंस के कारण अपने रिश्तों को थोड़ा सा कड़वाहट में बदल देगा, हम ऐसे कह सकते हैं रिलेशन में थोड़े सेटबैक्स जो नज़र आते हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, इसका आगमन कहाँ से हो रहा है, इसका जो है आपको यहाँ पर दिखेगा, ये जो है रेखा ऐसी कुछ चलती हुई दिखी है और बाद में बाई फोर खुरे विष्णु सिंबल भी हाथ में बनता हुआ आपको दिखेगा। जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की जरूरत है और प्रैक्टिकल व्यक्ति होगा, जहाँ पर इमोशन होने की जरूरत है वहाँ पर इमोशनल होगा ऐसी चीज़ें हाथ में नजर आ रही है। विष्णु सिंबल काफ़ी अशुभ होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि व्यक्ति जीवन में कुछ ऐसा बड़ा कार्य करता है जिसके परिणाम जो है काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो ये विष्णु सिंबल भी काफ़ी अशुभ है। ठीक है, तो ये तो पूरी इनके हाथ की प्रेडिक्शन हो गई। हाथ पे आपको कुछ और लाइनें भी दिख रही हैं जो यहाँ पर कवर नहीं हो गई, यहाँ पर दिखेंगे जो फिंगर्स पे आपको जो है खड़ी लाइनें दिखेंगी, तो ये बताता है कि जहाँ तक की जान पहचान जो है काफ़ी लोगों से हैं, काफ़ी लोग इनको जानते पहचानते हैं और काफ़ी लोगों से उठना बैठना हमेशा लगा रहता है, फ्रेंड सर्कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये देखने को आए और काफ़ी ज़्यादा शुभ साइन इसको माना जाता है। और अब हम रेमिडीज़ पर आते हैं, और रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए इनको, जो इनको देखिए मैंने यहाँ पर देखिए हाथ में सभी शुभ साइन हैं। ठीक है, और यहाँ पर अशुभ साइन क्या नज़र आया, पहले तो इनकी जो हेल्थ लाइन थोड़ी सी यहाँ पर ब्रेक होकर जो है आगे चलकर ब्रेक हुई है, इसके लिए आप और साथ में यहाँ पर जो है मंगल और शनि की युति हाथ में देखने को मिल रही थी, तो ये भी थोड़ा सा अशुभ साइन होता है। कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला आपको फंसा सकता है, कोई व्यक्ति आपको कोई गलत काम में फंसा सकता है जो आपने किया ना हो, और एक्सीडेंट वगैरह के योग भी हाथ में बने हुए हैं। ठीक है, तो उसको लेकर आप क्या करें कि मंगलवार को जो मीठी चीज़ें होती हैं, कोई मीठी चीज़ें आप ले लें, लड्डू पेड़े कोई मीठी चीज़ ले लें, उसमें सिर्फ चार हिस्से, जो गुड़ भी लें तो उसके भी चार हिस्से हों, मिठाई भी कोई लें तो चार हिस्से ही हों, तो उसको आप जाकर किसी मंदिर में दान करें जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हो, हनुमान जी जी की पूजा वहाँ पर होती हो, वहाँ पर आप दान करें तो आपको इससे जो है थोड़ी सी राहत मिलेगी। ठीक है, नहीं तो इसका इफेक्ट तो जो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि काफ़ी मैंने ऐसी लाइनें देखी हैं तो उसका इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसके उपाय कर सकते हैं, यही इसका उपाय है। आप हनुमान जी की जो है आराधना शुरू किया करें हर मंगलवार को किया करें, और जो मैं आपको रेमेडी बताई वो चार हिस्से जो मीठी चीज़ के अब जाकर मंदिर में दान किया करें। ठीक है, तो ये रेमेडीज़ हो गई, तो कुल मिला के काफ़ी प्रोग्रेसिव हाथ है। 45 के बाद तो लाइफ पूरी तरह चेंज होने वाली है, काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपनी राय हमारे कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।